हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू बाइकर बाय शुभी। हाय गाइस, सो अब निकल रहे हैं हम पंचमढ़ी के लिए आज भोपाल से, और आज की राइड है हमारी ऑल्टो से। आज हम जाएंगे क्योंकि आज पिताजी को हमारे बैंक की ऑफिशियल कार की ज़रूरत है, सो इसीलिए ऑफिशियल निकले हैं। वो लेके जाएंगे उसे ऑल्टो पे। सो आज अपना कितना है, डे 5 है ना? 5 5 या 6 है, अब प्रॉपर याद नहीं है। तो क्योंकि हम पिछले 5 दिन से या 6 दिन से लगातार घूम रहे हैं, तो हिसाब नहीं रख रहे हैं कौन सा दिन हुआ क्या हुआ। तो बस अभी निकल रहे हैं हम पचमढ़ी के लिए, यहाँ से 4.5-5 घंटे के ड्राइव है और हमें टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। होटल हमने टेंट के रूप में लिया है इस बार हम टेंट में रुकेंगे। टेंट में बहुत मज़ा आ रहेंगे इस बार, और हो सका तो बॉनफायर करेंगे और आप लोगों को वीडियोस भी दिखाएंगे। वैसे मौसम देखेंगे हमने कैसे मौसम। तो बस निकल रहे हैं यहाँ से अभी भोपाल से, और बहुत मज़ा आने वाला है। 2-3 दिन होएंगे पचमढ़ी में, हम सारा घूमेंगे वहाँ पे। धूपगढ़ हो गया या बी वाटरफॉल और जितना भी है वो हम ट्रैकिंग करेंगे सारा दिखाएंगे आपको। सर्च कर लें क्या क्या घूमने को है वहाँ पे, रास्ते में सर्च करेंगे और सारा घुमाएंगे आपको भी और हम भी घूमेंगे। सो बस बन रहे हमारे साथ, चलते हैं। लास्ट बात, पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की महारानी कहा जाता है। महारानी से मिलने या कश्मीर कहा जाता है। अच्छा, महारानी ऑफ सतपुरा कहा जाता है, कश्मीर को कश्मीर ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। अच्छा, तो आज हम भोपाल की महारानी से मिल के आ रहे हैं। भोपाल की नहीं, सतपुरा की। सॉरी, एमपी की, सतपुरा की महारानी, एमपी का कश्मीर। ओके, चलो चलते हैं फिर। पहुँच चुके हैं पिपरिया, और मैं आपको बताना चाहूँगा पिपरिया एक जो लास्ट स्टेशन है, मतलब अगर आप लोग बाय ट्रेन पचमढ़ी जाना चाहते हैं तो ये लास्ट स्टेशन है जहाँ से जहाँ तक आपकी ट्रेन आएगी। यहाँ से आपको बस या कैब वगैरह कुछ मिल जाएगी, तो उसके बाद में आप यहाँ पिपरिया उतर के तो यहाँ से आप बाई कैब या बाई बस जा सकते हैं। और अभी हम यहाँ रुके हैं अपना लंच करने के लिए, बिकॉज़ हमने सुबह को ज़्यादा खाया नहीं था तो काफ़ी टाइम हो गया। अभी 3 बज रहे हैं तो यहाँ पे लंच करेंगे। नन्हू ढाबा है, देखे ये नन्हू महाराज ढाबा। तो ये मैंने हमने किसी ने लोकल ने बताया था कि बहुत अच्छा है ढाबा, तो बस यहाँ लंच करेंगे और उसके बाद निकलेंगे पचमढ़ी के लिए। यहाँ से 50 किलोमीटर रहेगा पचमढ़ी वाला, तो चलें चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या होता है अभी। सो गाइस, ये हमारा खाना आ गया है, और ये पराठा देखो कितना बड़ा है। हमें उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा पराठा होगा, और लगता है हमें से एक ही खाया जाएगा। और हमने मंगाई एक ही दाल है, कौन सी दाल? दाल भी बड़ी टेस्टी है, नॉर्मल दाल है, नॉर्मल है ये। अरहर वाली दाल है, अरहर की दाल है, फ्राइड है शायद, दाल फ्राई है। और ये है सेब टमाटर, ये मैं ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। वैसे गुजराती डिश है तो ये भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। मैंने एक दो बार कहीं बाहर खाई है, मेरे को याद नहीं है पर खाई है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। पर अच्छी है सब्ज़ी है, पर इनका ना खाना सभी सारा अच्छा है। ये पराठा भी बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी सा बना रखा है, और ये हम वेज रायता और प्याज। बस ये खा के निकलेंगे फिर हम पचमढ़ी की तरफ। पहुँच चुके हैं पचमढ़ी के पास, और बस 5 किलोमीटर रह गए पचमढ़ी यहाँ से। और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, पूरे काले बादल हैं और रोड बहुत छोटी सी है, और बारिश देखिए स्टार्ट हो चुकी है। बारिश का नज़ारा लें आप,
इतना ब्यूटीफुल व्यू है, देखो आप। रोड इतनी छोटी कि एक टाइम में एक ही गाड़ी निकलती है, दूसरी को नीचे उतारना पड़ता है। तो अभी पहुंच चुके हैं होटल के बाहर, और ये हमारा होटल, उसकी एंट्री देखें। ये रोड है, रोड से अंदर जाके ये हमारे टेंट्स आ चुके हैं। सो गाड़ी पार्क कर दी हमने यहाँ, और ये देखें एटीवी खड़ी है, और वो है सामने रिसेप्शन। चेक इन हमने कर दिया है, मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं चेक इन की, वो हमने पूरी कर दी हैं। और सामने टेंट्स हैं, देखते हैं हमारा टेंट कौन सा मिलेगा, हमें आपको दिखाते हैं। चलो भैया किधर है, पीछे चलो जी, पीछे है हमारा टेंट। और बारिश हो रही है, मैंने छतरी ले रखी है, और पीछे सामने पार्किंग। सुन रहे हैं मतलब की आवाज़, कौन सा वाला रूम है ये? दिस इज अवर टेंट। आई होप लाइट, मुझे पता है कि लाइट कम होगी, अभी लाइट चला दी हमने। सो ये है रूम अपना, एसी लगा। अच्छा, एसी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? हाँ जरूरत पड़ेगी आपको तो। हाँ मतलब अभी तो बारिश है, मौसम भी ठीक है, अच्छा मौसम है। अच्छा अच्छा, ये वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत बड़ा यार। अच्छा वॉशरूम बढ़िया, शावर लगा हुआ। सो ये है अपना रूम, केवल लगेज पड़ा है, बैग पड़ा है। रूम टूर आपने ले लिया, रूम अच्छा है, लाइटिंग भी देखो कितनी अच्छी लगी है यहाँ पे। तो अभी लिख के आते हैं ध्रुव को, नहीं तो बारिश में आएगा, तो मुझे गाली नहीं कर लेगा मेरे को बारिश में छोड़ के। सो गाइस, हम अभी फ्रेश होके रूम से जा रहे हैं बाहर मार्केट, देखते हैं कुछ अगर स्नैक्स वगैरह भी खाएंगे। अभी भूख ऐसे है नहीं इतनी, बिकॉज हमने लंच हैवी कर लिए थे काफ़ी, और बस अभी मार्केट जाएंगे और देखते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह मिलता है, ठीक है, नहीं तो फिर रात को डायरेक्ट डिनर करेंगे। और डिनर का देखते हैं यहाँ होटल में करना है या बाहर करना है, हमने वो आपको सारा बताएँगे अब क्या क्या होगा। अभी टाइम हो रहा है 7:27। सो हम अभी घूम रहे हैं पचमढ़ी की मार्केट में, और मेरे को आधी मार्केट बंद तो नहीं लग रही ना ऐसे भी। मार्केट अभी बंद ही हुई है, मार्केट 12 बजे से पहले बंद थी। दुकानें कम, यहाँ एक्चुअली चक्कर क्या है कि दुकानें कम है, होटल जहाँ ज़्यादा है, तो ऐसे लगता है जैसे मार्केट बंद है, पर यहाँ पर मार्केट 12 बजे तक खुलती है। और ये देखिए मार्केट पचमढ़ी की, अभी ये भी थोड़ा सा हम साइड पर आ गए हैं, अभी मार्केट के अंदर जाएंगे कुछ खाते हैं। अभी घूमते घूमते पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, तो मुझे गाड़ी भी नहीं याद कहाँ खड़ी की थी हमने, गाड़ी तो मुझे याद है। सो अभी हम बैठे हैं एक मार्केट में पचमढ़ी की, और ये मार्केट एज अ चौपाटी है, ये देखें। और अभी हमने मंगाई है मैगी, लाइट सा भी खाएंगे उसके बाद में। कौन सा रिजॉर्ट है जिसमें जाना अपन है, कौन सा था वो जहाँ पर डिनर के लिए जाना अपन है? बेटा बावर्ची होटल, पर उसने बताया ये उससे अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे, ये मार्केट है ना चलता बेटा बावर्ची चलते हैं। अच्छा, वो कह रहा था बढ़िया है होटल वाला हमारा, वो तो बिल्कुल उस होटल के पास एक ही इकलौता रेस्टोरेंट था, इसलिए उसने बोला था एक बार हम इधर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा था यार, एम्बियंस ही अच्छा है उसका, खाना मिलेगा सेंटर प्रॉपर, और वो वैसे ही मिलेगा जैसे तुझे कल बापू की कुटिया में मिल रहा था। जी हाँ, थोड़ा सा देख ले, मतलब मेरे को आपको दिखाएंगे, देखते हैं कहाँ डिनर पे जाएंगे। एक हमने देखा था बेटा बावर्ची, बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें लाइटिंग बहुत अच्छी थी उसकी,
और उसमें मेरे ख्याल से लाइव सिंगर होते हैं, सिंगिंग होती लाइव, वैसे जैसे क्लब्स वगैरह में होती है उस तरह में चल रहा था। देखते हैं वहाँ जाएंगे और दिखाएंगे आपको। सो गाइस वी आर बैक टू द होटल। तो आज के दिन बहुत बढ़िया रहा, और वैसे ज़्यादा दिन आज हमारा ट्रैवलिंग में निकल गया बिकॉज हम जिस रास्ते से आ रहे थे वो आगे हाईवे क्लोज था बिकॉज मेंटेनेंस की वजह से, तो हमारे सारा रूट चेंज करना पड़ा हमें, तो इसलिए हमें लेट हो गया पहुँचे। बट उसके बाद में आके हमने थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करी, उसके बाद हम वो कैफ़े गए जो आपको दिखाया था हमने, तो वो भी बड़ा बढ़िया था, अच्छा एम्बियंस था उसका। तो बस अब हम आ गए होटल में वापस, और कल हम निकलेंगे यहाँ के जो प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर करने, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। सो इस वीडियो में इतना ही है। सर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।